दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एक्सचेंज की ऑफ़र के बारे में। इसका नाम है इजी एक्सचेंज प्रो एयर ड्रॉप। इसमें हमें क्या मिलेगा? इनका अपना इंटेंसिव टोकन, GBR टोकन मिलेगा, जो कि मिलेंगे हमें 40 टोकन, जो कि काउंट रखते होंगे $7.20 के। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इस तरह से एक लिंक शेयर करूंगा। हमें क्या करना है, उस लिंक को ओपन करना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद हमें OTP वगैरह आएगा, OTP हमने कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि इस टोकन की क्या चीज़ें हैं और ये हमें टोकन कब तक रिलीज़ हो जाएंगे और हम इनको विड्रॉ कब तक लगा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हमने ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र में, जिसमें भी आप करना चाहें इसमें ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं इसको। तो आप इसको जो है, मैं इसको वाया में कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सेकंड बार कर रहा हूँ। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हो तो सेम IP पे हरगिज़ नहीं करना, या सेम ब्राउज़र पे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? तो उसके बाद हम चलते हैं, इसको ओपन कर लेंगे। एक्सचेंज थोड़ी स्लो है, वर्किंग थोड़ी इसकी स्लो है। आपने जो है इसमें थोड़ा सा वेट करना है, 5 सेकेंड का डिले इसके अंदर आराम से आ रहा है, तो आपने इसके अंदर वेट करना है। तो इस तरह से लिंक आपके पास ओपन में भी तकरीबन 1 मिनट पूरा लगेगा, तो आपने वहाँ पे भी वेट करना है। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिख लेना है, जो भी आपका यूज़र नेम हो। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे ईमेल लिख देनी है। ईमेल लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये जो सेंड कोड है इस पर क्लिक करना है। जब सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो OTP जाएगा, आपने वहाँ से OTP यहाँ पर ला कर डाल देना है। मेरा वहाँ पर ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, सिंपली उसके बाद जाना है नीचे, अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से फिर हमने ये जो नीचे रेफर कोड है इसको लिखे रहने देना है, ठीक है? और अगर कहीं पे आप अगर ना लिखा हो तो आपने ये कॉपी करके यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हमने टिक पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के जब आप ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे, तो उसके बाद वो आपको नंबर कनेक्ट करने का कहेगा। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद आपके पास OTP आएगा, OTP आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपके क्या होगा कि अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, लॉगिन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा कि वो 5 सेकंड वेट करेगा। जब आप एक बार क्लिक कर लेते हैं तब आपने दोबारा से उस पर क्लिक नहीं करना, 5 से 10 सेकंड इंतज़ार कर लेना है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको मैं जो है इसका वॉलेट ओपन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई हमारा जो है टोकन्स कहाँ पर रिसीव हुए हैं, ये सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉग इन करते हैं और बाकी ये जो सारा प्रोसीजर में कैप्चा आएगा, कैप्चा को आपने जो है सेम एज इट इज़ लिखना है, जैसे आपके लिखा हो। कैपिटल O, कैपिटल P, कैपिटल Z, N, W एंड 3, आई थिंक, ठीक है? चलो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही कैप्चा देखिए, ये कैप्चा गलत हो गया क्योंकि हमारी कोई एक गलती हुई है, और C भी छोटा है, आई थिंक D भी छोटा है, और 9। उसके बाद हमने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, फिर वो मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए कोड हमारे पास भेजेगा। हमने OTP को कॉपी करके यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देना है। हमारे पास फिर OTP लिखते ही हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो ये हर जगह पे OTP मांगेगा आपने, तो क्या करना है, OTP प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसका वॉलेट चेक करना है। वॉलेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो फिर हमें 5 सेकंड, जैसे देखें मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया था, तो अब ये 5 सेकंड मुझे वेट करवा रहा है, या 10 सेकंड आपने कम अज़ कम यहाँ पे वेट करना ही करना है। जब तक ये ओपन ना हो जाए आपने वेट करते रहना है, ठीक है? तो तकरीबन अभी भी हमें तकरीबन 10 सेकंड से प्लस हो गए हैं, और ये देखें अकाउंट हमारा ओपन हो गया है। उसके बाद हमने कोई अभी जो है ना गूगल ऑथेंटिकेटर भी ऐड नहीं करना, ट्रेडिंग पासवर्ड भी ऐड नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे टोकन जो है वो अनलॉक है, लेकिन हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये प्रो लॉन्चिंग फेज़ में नहीं गई। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये 3 डॉट्स जो हैं, 3 लाइन्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ से आ जाना है अपने एसेट्स में, ये जो नीचे बना हुआ है एसेट्स, यहाँ पर आपने आ जाना है, एसेट्स पर क्लिक करना है। एसेट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर आपसे वो वेट करने का कहेगा, तो आपने वेट करना है। 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो रिस्पॉन्स कर देता है कम्प्लीटली, तो आपने 5 से 10 सेकंड वेट करना है। जैसे ही हम वेट करेंगे हमारे सामने वहाँ पे टोकन रिसीव होंगे, मैं वो भी आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। जिस तरह से वॉलेट जो है वो ओपन हो जाएगा, आपने जस्ट क्या करना है, ये IP बटन पे क्लिक करना है। आई बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपको दिखा देगा कि भाई आपके पास जो है 7.2 USD का डॉलर पड़ा है, जो कि बनता है 0.00095 BTC का, ठीक है? अब हो और ये है भी हमारे मेन अकाउंट में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे टोकन को देख लेते हैं, टोकन जो हमारे पास कहाँ पे शो हो गए हैं। ये देखें, ये GBR टोकन इनकी एक्सचेंज का खुद का टोकन है,
40 टोकन हमारे पास रिसीव हो चुके हैं जो कि अनलॉक फॉर्म में मौजूद हैं। और ये जब इनका एक प्रॉपर टाइम आएगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि भाई इनका कब टाइम आएगा। पूरा वाइट पेपर हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। हम ये 3 बार पे क्लिक करेंगे। अपना रेफर लिंक अगर शेयर करना हो तो आप यहाँ से अपना रेफर लिंक भी शेयर कर सकते हैं और यहाँ से हमें इसका वाइट पेपर मिल जाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं गाबर पे, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने इनके टोकन की पूरी वर्थ बता देंगे, प्री सेल बताएंगे, प्राइवेट सेल बताएंगे और पब्लिक सेल, दोनों चीज़ों के बारे में बताएंगे हमें। तो चलिए इसके बारे में हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारे टोकन जो है वो कब तक अनलॉक हो जाएंगे। टोकन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इन्होंने इमेज भी काफ़ी अच्छी बनाई है। उसके बाद इनका है भी डिसेंट्रलाइज्ड और दूसरा है भी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो है 550 मिलियन, ठीक है थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन BEP20 नेटवर्क का है। ये भी आसान हो गया ताकि हमारे विड्रॉ के लिए फ़ीस कम से कम लगें। वो कह रहे हैं कि प्राइस जो है एट द नॉमिनल जो बिटवीन होगी वो 0.09 से लेकर 0.18 के दरमियान दरमियान होगी। तो उसी रेट के हिसाब से हमें ये 40 टोकन दिए गए हैं जो कि बनते हैं $7.2 के। तो उम्मीद है कि इसकी प्राइस इससे ज़्यादा ही होगी, $7.2 से अबव ही इंशाल्लाह हमें रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। और प्राइवेट सेल स्टार्ट हो रही है 27 मार्च से लेके नेक्स्ट मंथ की 16 तक, अप्रैल के 16 तक, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि टोटल एयरड्रॉप के टोकन जो है 44 मिलियन टोकन टोटल डिवाइड किए जाएंगे जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसलिए ये फॉर ऑल यूज़र है। जो इसके प्राइवेट सेल यूज़र्स होंगे उनको 4 मंथ के बाद लॉकअप मिलेगा। तो ये तो पक्की बात है कि हमारे एयर ड्रॉप के जो टोकन्स हैं वो 4 मंथ के बाद ही जो है वो हम उनको विड्रॉल लगा सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि जैसे ही हमारी ये जो एक्सचेंज है वर्किंग फॉर्म में आए तो हम तब भी इसको विड्रॉल लगा सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो मिनिमम विड्रॉ इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हो ताकि कोई भी जो बंदा प्राइवेट सेल बाय करेगा सिर्फ उसको ही प्रॉफिट मिले। तो मतलब कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं और किसी भी कंडीशन में भी ये जा सकता है। तो जो लेटेस्ट मैं सोच सकता हूँ कि ये जो रिलीज़ डेट है इनकी ये काफ़ी लंबे होने वाली है, अगस्त तक जाने वाला है और हो सकता है कि अगस्त से भी आगे चला जाए। एंड ये है टोटल इसकी यानी कि कब तक हमारे टोकन्स लॉन्च हो जाएंगे। रेफरल सिस्टम भी मैंने आपको सारा बता दिया है और रेफरल कोड कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल ये थी कि भाई हम इसमें एयर ड्रॉप कैसे बनाएंगे, कैसे टोकन गेन करेंगे, कब हमारे विड्रॉ होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई इशू है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।